नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भूजल सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत करी। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लोगों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया है, लेकिन ये कार्य 24 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति कर सकता है। आगे सीएम ने कहा कि हर घर नल योजना को प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों, 1,00,000 राजस्व गांवों और 14,000 नगर निकाय के वार्ड तक योजना को पहुंचाएंगे। उम्मीद है ये कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर दे और एक एक बूंद जल को संरक्षित करने के लिए काम आएगा और प्रेरित करेगा। तो भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने जल संरक्षण में अहम योगदान दिया है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि ये हर व्यक्ति कर सकता है, जल संरक्षण का काम हर व्यक्ति कर सकता है और अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है तो जल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही एक उद्देश्य के साथ संदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत करी। आपको बता दें कि अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पानी की समस्या है, जहां पे खारा पानी मिलता है और पानी की समस्या काफी देखने को मिलती है और ऐसे में लोगों को जागरूक करना काफी आवश्यक है। 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए, जिसमें अति क्रिटिकल से विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में परिवर्तित करने में भी हमें मदद मिली। थोड़ा सा प्रयास हुआ तो वह देखते ही देखते उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया। हमें एक एक बूंद जल की कीमत, जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी भी समझनी पड़ेगी और जो व्यवस्था समाप्त यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं उन सब को भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। पुराने सरोवर और तालाबों को, कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रेरित किया है सभी को एक एक बूंद जल बचाने के लिए, कितना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी कई ऐसे जिले हैं जहां पे पानी की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, भूजल सप्ताह की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसकी शुरुआत की थी उन्होंने कहा था कि हमारे पास जल बहुत है लेकिन हमारी जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है उस वजह से जल की जो समस्या है वो देश प्रदेश में बढ़ती जा रही है और इस पर कहीं ना कहीं लोगों को भूजल सप्ताह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रथ भी रवाना किए थे जो करीब 560 ग्राम पंचायतों तक गए थे, 26 विकास खंडों तक गए थे और लोगों तक संदेश पहुंचाया था कि कैसे पानी को बचाना है, कैसे पानी उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस योजना के तहत ये बताने का भी प्रयास किया गया है कि कुछ भी करके जो नदियां हैं उनको कैसे पुनर्जीवित करना है, कैसे उन्हें संरक्षित करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी कही है। कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही था और इस कार्यक्रम के तहत यही योजना बनाई गई थी कि कैसे देश प्रदेश में जो नागरिक है वो पानी को बचाएं और पानी की महत्वपूर्ण कितना है उसकी उसका जो महत्व है उसको समझें, उसको जाने। इसी को देखते हुए ये एक हफ्ते का जो कार्यक्रम है ये चलाया गया था भूजल सप्ताह के नाम से। आज उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन किया और इस दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम के जरिए उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन समाज सेवियों का या उन संस्थाओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों तक संदेश पहुंचाया है और हम कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के तहत कामयाब होने की कोशिश भी करेंगे, नदियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश प्रदेश में जल की समस्या जो बढ़ रही थी उसे किस तरह से सही तरीके से बचाया जा सकता है, नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जी बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सम्मानित किया है, क्या इससे और भी लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि सिर्फ 5 लोग जल संरक्षण के लिए जिस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए तो और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, सरकार की तरफ से कदम हमेशा उठाया गया है, चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बात करी जाए या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के बात करी जाए, तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश रही है कि किसी भी तरह से जो जल की समस्या है उन समस्याओं पर काम करके पानी की जो समस्या है उन समस्याओं पर रोकथाम की जाए और पानी कम वेस्ट किया जाए, नदियों
तरह से संचालित करना है, उस पर फोकस किया जाए, उस पर ध्यान रखा जाए, लोगों तक संदेश पहुंचाया जाए कि पानी की समस्या पर कहीं ना कहीं किस तरह से उनसे बचाया जा सकता है, किस तरह से उनकी समस्या से बचा जा सकता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कहीं ना कहीं उसका जो एक सफल जो रास्ता है वो भी इस कार्यक्रम के जरिए दिखा भी है कि लोगों तक एक बेहतर संदेश और रथों के जरिए और करीब 550 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक इसका जो संदेश है वो सरकार की तरफ से पहुँचा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे इस खबर में। रुक करते अगली खबर की तरफ। सपा से तलाक का इंतजार कर रहे ओपी राजभर बीजेपी के ज्यादा करीब होते नजर आ रहे हैं। जहां राष्ट्रपति चुनाव में राजभर ने मुर्मू के पक्ष में वोट भी किया था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अब राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। बता दें कि शासन के आदेश पर गाजीपुर पुलिस ने ओपी राजभर की सुरक्षा बढ़ा दी है। यहाँ कई बार अखिलेश यादव को नसीहत के साथ साथ कई बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे ओपी राजभर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखना यह होगा कि आखिर ओपी राजभर को खतरा किससे है। तो बीजेपी और सुभाषपा कहीं ना कहीं नजदीक आते नजर आ रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी ओपी राजभर ने समर्थन दिया था, उनका वोट दिया, अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि हम सिर्फ एनडीए उम्मीदवार को, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है, इस वजह से वो उनको समर्थन दे रहे हैं और सिर्फ इस चुनाव तक ही बीजेपी से नजदीकी है। गठबंधन को खत्म करने की बात कहीं नहीं कही। उन्होंने कहा कि जब तक हम गठबंधन में हैं तब तक हम उसका सम्मान करेंगे। ओपी राजभर कई तरीके के बयान देते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर बात करी जाए राष्ट्रपति चुनाव की, तो जब उनको न्योता भेजा गया तो राष्ट्रपति चुनाव में ओपी राजभर पहुंचे और जब भोज पे बुलाया गया तब भी वो पहुंचे, उन्होंने अपने समर्थन की भी बात कही। लेकिन जब सपा का समर्थन विपक्षी नेता की तरफ रहा तो ओपी राजभर ने कहा कि हम भी सपा का समर्थन करेंगे, हम विपक्षी उम्मीदवार को ही अपना वोट देंगे। लेकिन फिर दोनों में कुछ अनबन रही, कुछ सामंजस्य नहीं देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने इस बात का साफ ऐलान किया कि वो अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को ही देंगे। इस खबर में हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए हैं। नितिन, ने जिस तरह से ओपी राजभर के अलग अलग बयान सामने आए, उसके बाद ये भी देखने को मिला सपा और सुभाषपा के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, तो क्या यही वजह है कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है या कोई और वजह बताई जा रही है? देखिए, वजह यही बताई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट किया और द्रौपदी मुर्मू जीती है चुनाव, तो कहीं ना कहीं उस जीत के लिए एक बड़ा तोहफा जो है वो ओम प्रकाश राजभर को दिया गया है। और ओम प्रकाश राजभर ने पहले भी अपनी जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को लेकर के सवाल जो थे वो खड़े किए थे, शिकायत जो थी वो की थी, और उसी को देखते हुए ये जो कदम है सरकार की तरफ से उठाया गया है कि ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो दी जा रही है। इसमें अब उनके साथ 16 पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद रहेंगे और गाजीपुर पुलिस की तरफ से पत्र जारी करके इसका आदेश जो है वो भी दे दिया गया है कि 16 पुलिसकर्मियों की एक जो टीम है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगी, उनकी सिक्योरिटी रहेगी। हालांकि अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो समाजवादी पार्टी है जिससे ओम प्रकाश राजभर, यह अभी भी कहा जा सकता है कि है समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट किया और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो एक तोहफा है वो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी की तरफ से दिया गया है। नितिन, जिस तरह से ओपी राजभर के बयान सामने आ रहे, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या उनकी नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही है 2024 के चुनाव में? क्या ओपी राजभर भाजपा के साथ होंगे या फिर एक विपक्षी दल संगठन पूरा एक तैयार होगा सभी विपक्षी दलों का एनडीए को हराने के लिए? देखिए, कह पाना बहुत जल्दी होगी कि क्या ओम प्रकाश राजभर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का भी एक खेमा ऐसा है जो ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ नहीं लेना चाहता है और वो ये कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता है जो किसी भी दल में कभी भी चले जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस नाराजगी को भी झेलना पड़ सकता है बीजेपी को। और ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से केंद्र नेतृत्व की तरफ से कदम उठाया जाए, क्या फैसले लिए जाए कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर को सेट किया जाए या नहीं किया जाएगा, ये देखना है। और जिस तरह से सपा के साथ कुछ अनबन नजर आ रही है नितिन, तो क्या लगता है ये गठबंधन कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी मुझे नहीं निकालती है तब तक मैं इस गठबंधन में किसी
और लगातार ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी उनसे उन्हें निकालेगी या नहीं निकालेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब दोनों ही के बीच में जो बात है वो काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट करना, मीटिंग में ना बुलाना, कई सारी जो नाराजगी है वो ओम प्रकाश राजभर पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है ओपी राजभर की तरफ से या फिर अखिलेश यादव या फिर बाकी के नेताओं की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे इस खबर पे। रुक करते अगली खबर की तरफ। अमेठी में 4 अगस्त को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर एएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मतदान स्थल का निरीक्षण किया। इसी दौरान एएसपी ने लोगों से आचार संहिता का अनुपालन करने की अपील भी की और सभी लोगों से भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने की भी अपील की। ग्राम सभा का होने वाला है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, ये ग्राम भ्रमण किया गया है और स्कूल देखा गया है जहाँ पे वोट होना है, तो ये देखा जा रहा। अभी नामांकन कार्रवाई चल रही है और हमारी तैयारी जो चुनाव की होती है वो की जा रही है। आचार संहिता लगी हुई है, कब चुनाव होगा और क्या यहाँ के जो ग्राम सभा है उनके निवासियों क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, कल अभी नामांकन का लास्ट दिन है, नाम वापसी होगी कल, तो नाम वापसी के बाद ही ये फाइनल होगा कि कौन कौन कैंडिडेट लड़ेंगे। और इसको देखते हुए पूरे गांव में सबको बता दिया गया है कि इसमें जो आचार संहिता होती है उसका अनुपालन करें, कोई इससे हट के काम नहीं करेगा और अपना निष्पक्ष और तनाव रहित होकर सुरक्षा युक्त वातावरण में सभी लोग अपना। ग्राम सभा का होने वाला है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, ये ग्राम भ्रमण किया गया है और स्कूल देखा गया है जहाँ पर वोट होना है, तो ये देखा जा रहा। अभी नामांकन कार्रवाई चल रही है और हमारी तैयारी जो चुनाव की होती है वो की जा रही है। आचार संहिता लगी हुई है, कब चुनाव होगा और क्या यहाँ के जो ग्राम सभा है उनके निवासियों क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, कल अभी नामांकन का लास्ट दिन है, नाम वापसी होगी कल, तो नाम वापसी के बाद ही ये फाइनल होगा कि कौन कौन कैंडिडेट लड़ेंगे। और इसको देखते हुए पूरे गांव में सबको बता दिया गया है कि इसमें जो आचार संहिता होती है उसका अनुपालन करें, कोई इससे हट के काम नहीं करेगा और अपना निष्पक्ष और तनाव रहित होकर सुरक्षा युक्त वातावरण में सभी लोग। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अरविंद यादव जुड़ चुके हैं अमेठी से। अरविंद, जिस तरह से 4 अगस्त को पंचायत चुनाव होना है, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? विनोद कुमार पांडे ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ गांव में जाकर के लोगों से अपील की है कि निष्पक्ष निर्भीक होकर आप सभी लोग जाके मतदान करें। और साथ ही साथ में भारी पुलिस बल के साथ में एसएसपी पहुंचकर वहां पर लोगों को किसी भी तरह की डरने की बात नहीं है, निष्पक्षता बरती जाएगी। ऐसे में प्रशासन सख्त से सख्त, अगर कोई गलत कार्य करता है तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में आश्वस्त किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैसेज अमेठी से संवाददाता अरविंद यादव जुड़े थे। बदायूं के विकास खंड में गांव खगाई में सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण 2019 में किया गया था, जो कि कुछ ही दिन बाद खराब हो गया और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लिया। वहीं इस मामले में अधिकारी अभियंता ने बताया कि मशीन खराब हो गई है, उसको रिपेयर कराया जा रहा है। 2019 से ट्यूबवेल खराब है, जिसकी शिकायत करी गई, जिसका कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान आकर ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत 1076 पे करा, तो उसके बाद उच्च अधिकारियों ने इसका संज्ञान दिया और तब ये मामला सामने आया और अधिकारियों ने कहा कि मशीन खराब है और उसकी रिपेयरिंग करी जा रही है। जी, आपके गाँव में जो सरकारी ट्यूबवेल है जी, ये कितने टाइम से खराब पड़ा हुआ है और इसकी मुख्य वजह क्या है, किस वजह से ये बंद है? ये बोरिंग खराब हो गया है, इसमें अब तो ये बता रहे हैं सभी लोग कि इसमें बजरी जा चुकी है, उस वजह से ये बोरिंग खराब हो चुका है और इसकी वजह से हमारी ज़मीन में धान की रोपाई वगैरह सब बाधित है
और ये नहीं लग पा रहा है कोई भी सब फसल, मतलब ये जमीन जो है सब। ये आपके गांव में सरकारी ट्यूबवेल बना हुआ है, ये कितने टाइम से खराब है? ये सर 12 जनवरी 2021 से खराब पड़ा है। कितना टाइम हो गया इसके लिए खराब पड़ा हुआ? आप अंदाजा लगा लीजिए कितना टाइम हो गया। कई बार कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार अधिकारियों से कहा, जेई से कहा, एसडीओ साहब से कहा, एसडीएम साहब से कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर हमने मजबूर होके जो है सीएम हेल्पलाइन 1076 जो नंबर। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।